हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम टू डिजिट नंबर, लाइक अगर मैंने नंबर लिखा 19 और एक और टू डिजिट नंबर लिखा 43, इन दोनों नंबर्स को ऐड कैसे करें और वो भी रीग्रुपिंग के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग लिख लेते हैं। ठीक है, हम जो है 10 तक काउंटिंग लिख लेते हैं। सो हमने लिखा 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर हमने लिखा 9 और फिर मैंने लिखा 10। ठीक है, तो मैंने 10 तक काउंटिंग लिख ली। अब इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम कौन सी प्लेस पे ऐड करेंगे, ये राइट हैंड साइड से करेंगे। राइट हैंड साइड पे जो डिजिट है वो कौन सी प्लेस पे है, 1s पे, और जो नेक्स्ट है वो कौन सी प्लेस पे है, 10s पे। ठीक है, अब हमने लिखा 9 और 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको 9 और 3। अब मुझे 9 और 3, पहले हम 1s प्लेस को जो है ऐड करेंगे। ठीक है, 9 और 3, अब 9 और 3 में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 9 ये रहा, 3 ये रहा, सो 9 बाद में आ रहा है ना, 9 बाद में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, और जो जो 3 है वो स्मॉलर डिजिट हो गया। तो उतनी हम क्या निकाल लेंगे, फिंगर्स। ठीक है, उतनी हमने जब फिंगर्स निकाली तो 3 के 9 के बाद क्या आता है, 10, 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12, तो ये आंसर आ गया हमारा 12। ठीक है, पर यहाँ पे हमें 1 और 4 भी गिवन था और वो था 10th प्लेस पे, पर हमारे पास 1s पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। कितने 1s आ रहा है, 12 आ रहा है। तो अब तो ये 1 अब जो है 1s पे तो सिंगल डिजिट ही आती है ना, क्योंकि जैसे अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं, जैसे मैंने 19 लिखा, तो हर एक प्लेस पे सिंगल डिजिट आ रही है, पर यहाँ पे मेरे पास 1s पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। सो अब जो मैंने ये 1 है वो मैं इधर ले जाऊंगी, कैरी ले जाऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कैरी क्यों किया। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, सपोज मेरी मैंने जो है 10 1 के कॉइन्स बनाए। ठीक है, 1 के कॉइन बना रही हूँ मैं, वो भी कितने, 10, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10। ठीक है, अब आपके पास 10 1 रुपी के कॉइन है। ठीक है, सो ये एक 1 हो गया, 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9 और 9 प्लस 1 10, टोटल 10 हो गया। या आप वैसे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया, 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 10 1s हो, मींस तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास 10 टाइम अगर 1 है तो वो एक 10 के इक्वल। ठीक है, तो अगर 10 टाइम्स 1 है तो वो किसके इक्वल है, 1 10 के। सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 10 टाइम्स 1 है, 10 टाइम्स अगर 1s आएगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक 10 के। ठीक है, तो अब हमारे पास 12 1s आ रहा है। ठीक है, अब 12 1s को हम ब्रेक कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं लाइक 12 रुपीज को हम कैसे देंगे, एक 10 का नोट देंगे, है ना, एक 10 देंगे और फिर 2 रुपीज चेंज देंगे। तो जो ये 10 टाइम्स 1 है, 10 टाइम्स 1s, वो हमारा क्या है, 1 10 के बराबर है, और जो 2 है वो 1s वैसे रह गया। ठीक है, 12 1s को हमने ब्रेक किया 10 1s में और 2 1s में। ठीक है, 10 1s में और 2 1s में, जो 10 1s है वो हमारा किसके इक्वल है, 1 10 के और 2 1s के। तो हमारे पास 2 1s बचा, तो 1s पे हमने लिखा 2 और 10 कितना हो गया, 1, तो 1 हमने क्यों ले लिया, कैरी। क्यों हमने कैरी लिया, क्योंकि 12 का मतलब क्या है, 12 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो हो जाएगा 10 प्लस 2, और अगर 10 टाइम्स अगर कोई 1 है तो वो किसके इक्वल है, एक 10 के इक्वल है ना। अगर 10 नोट है, 10 कॉइन्स आपके पास 1 रुपी के, तो आपके पास कितने रुपीज हुए, एक 10 रुपीज हुए, है ना। तो इसलिए 1 हमने कैरी लिया और 2 हमने एज इट इज लिखा। ठीक है, अब आप देखो कि 1 प्लस 4 हमें करना, क्या करना है हमें, 1 प्लस
फोर। अब जो है फोर हमारा बाद में आ रहा है, अब काउंटिंग में जो फोर है वो बाद में आ रहा है और वन क्या आ रहा है पहले, तो फोर क्या है बड़ा है। अब वन और जो कैरी लिया है हम उसको भी ऐड करेंगे, तो वन और वन मीन्स टू फिंगर्स निकालेंगे। फोर के बाद क्या आता है फाइव, फाइव के बाद आता है सिक्स, तो हमारा आंसर कितना आ गया 62। ठीक है, अब एक और पार्ट मैं आपको लेके दिखाती हूँ एग्जाम्पल। सपोज अब हमारे पास, अब जैसे मैं नेक्स्ट पार्ट लेती हूँ 68 प्लस 24। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो जो राइट हैंड साइड पर डिजिट है वो कौन सी प्लेस पे है वंस पे। ठीक है, वंस पे, और जो नेक्स्ट डिजिट है वो कौन सी प्लेस पे है टेंथ पे। तो सबसे पहले हम 8 प्लस 4 करेंगे। अब देखो 8 यहाँ पे है 4 यहाँ पे, तो 8 बिगर नंबर है, 4 क्या है स्मॉलर नंबर है, क्योंकि वो पहले आ रहा है और 8 बाद में आ रहा है, तो 8 को हमने सर्कल कर लिया। अब 4 हमने जो है फिंगर्स निकाल ली। ठीक है, तो 8 के बाद आता है 9, फिर आता है 10, फिर 11 और फिर आता है 12। सो 2 हेयर एंड 1 कैट, क्यों कैरी लिया अब आपको पता चला, क्योंकि जो 12 वंस है उसको जब हम ब्रेक करेंगे तो वो हो जाएगा 10 वंस और 2 वंस, और जो 10 वंस है वो किसके इक्वल है 1 10 के, तो 1 इधर चला गया और जो 2 वंस बचा वो इधर आ गया। ठीक है, अब 6 प्लस 2, 6 ये रहा 2 ये रहा, तो 6 बड़ा नंबर है तो इसको हमने सर्कल कर लिया। अब 2 और जो कैरी लिया उसको भी ऐड करते हैं, तो 2 फिंगर्स निकाल लिया और फिर 1 कैरी तो एक और फिंगर, तो 6 के बाद आता है 7, फिर 8, फिर 9, तो हमारा सम कितना आ गया 92। ठीक है, अब एक और पार्ट हम लोग करते हैं, लाइक सपोज अब जो हमारे पास पार्ट है वो है 39 प्लस 57। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ये जो डिजिट है राइट हैंड साइड पे कौन सी प्लेस पे है वंस पे, और ये है टेंस पे। अब 9 प्लस 7, 9 ये ना और 7 ये ना, तो 9 बाद में आ रहा है तो ये 9 क्या हो गया बड़ा नंबर। अब 9 प्लस 7, अब हम 7 फिंगर्स निकालेंगे, जो स्मॉलर नंबर है उतनी ही हम फिंगर्स निकालेंगे, तो 7 निकालिए। अब 9 के बाद आता है 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, तो 6 हेयर एंड 1 कैरी, और ये हमने क्यों किया क्योंकि 16 वंस था। ठीक है, और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो गया 10 वंस और 6 वन, लाइक 16 रुपीज आपको देने हो तो 10 का एक नोट और 6 रुपीज चेंज। अब 10 टाइम्स 1, अगर 10 टाइम्स 1 लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा 110, है ना, तो 1 कैरी हो गया क्योंकि ये 10 में चला गया, है ना, तो 110 और 6 वंस। अब 3 प्लस 5, 3 और 5 है, 3 ये रहा और 5 ये रहा, 5 बाद में आ रहा है काउंटिंग में तो ये हो गया बड़ा, और जो स्मॉलर नंबर है उतने फिंगर्स, तो 3 फिंगर्स और एक कैरी की, तो 5 के बाद आता है 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, सो 96 हमारा क्या आ गया समर। ठीक है, तो ये क्या हमने किया रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग कैसे किया कि जो वंस था, वंस में कुछ ऐसा जो हम टेंथ को दे सकते हैं, तो वो क्या हो गया 10 वंस, 16 वंस था, 16 वन को ब्रेक किया तो 10 वंस आया, जो 10 वंस है वो हम 10 में दे सकते हैं, तो हमने क्या किया रीग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग दोबारा करी, मीन्स 10 वंस पे पास कुछ ऐसा जो हम टेंथ को दे सकते हैं तो हमने टेंथ में दे दिया, क्योंकि जो वंस है वंस प्लेस है उस पे जो है सिंगल डिजिट ही आएगी, हर एक प्लेस पे जो है हमारे पास सिंगल डिजिट ही आती है, तो इसलिए हमें जो है रीग्रुपिंग करना क्या हो गया हमारे लिए जरूरी हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।